देश के मौजूदा हालात, खासकर ईडी सीबीआई जैसी स्वायत्त संस्था पर राजनीतिक प्रभाव के लग रहे आरोप और महागठबंधन समेत राजनीतिक हालातों पर रिटायर्ड आईएएस और लोक गठबंधन पार्टी के अध्यक्ष विजय शंकर पांडे ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। देखिए, जो मेरी समझ है, जो मैं देख रहा हूँ, उसे मुझे नहीं लगता कि जो आज अखबार की सुर्खियाँ बन रहे हैं उसका कोई असर जनता पर चुनाव में वोट देने पर पड़ेगा। अभी आप देखें, जो अखबारों में पिछले कुछ दिनों से अगस्ता का मामला चल रहा है, उसमें नए नए नाम रोज उभर के आ रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख है कि देश की एक बहुत बड़ी प्रीमियर एजेंसी है ईडी, और ये तथ्य शायद जनता को नहीं मालूम होगा, इसने अपने पूरे इतिहास में आज तक एक भी व्यक्ति को सजा नहीं दिला पाए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही अखबार में खबरें जरूर आपको निकली मिलेंगी। मुझे समझ नहीं आता ये अखबार में खबर छपवाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टी उस समय पावर में रहती है उसके पॉलिटिकल एजेंडा को इम्प्लीमेंट करना, उसको आगे बढ़ाना, उस पार्टी के जो पॉलिटिकल डिजाइन है उसके तहत अपने विरोधियों को डिफेम करना ही ईडी का काम है। देखिए, आपको याद होगा कि जब भी जो अपोजिशन में रहती पार्टी, वो हमेशा से आरोप लगाती रही है ईडी और सीबीआई पर और इनकम टैक्स पर कि साहब ये जो भी तंत्र है, जो भी सिस्टम में जो रूल कर रहा है उसके ये एक तरह से उसका काम करते हैं। जब कांग्रेस सरकार में थी तो अपोजिशन में जो थे उन्होंने भी यही कहा, आज एनडीए की सरकार है तो जो अपोजिशन यही कह रहे हैं। और सोचिए, ये लोग बड़े जिम्मेदार लोग हैं, देश में शासन करते हैं, अगर इनका नेतृत्व और ऐसे सभी नेता मिलकर वर्षों से कहते चले आ रहे हैं कि ये एजेंसियां सिर्फ सरकार की एक टूल उसके हाथ पे बन के रह जाती हैं, तो उसमें सच्चाई तो है ही है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये बिल्कुल सच है कि ये एजेंसियां दुर्भाग्य से देश के हित में कानून के अनुसार काम करने से कहीं ज़्यादा ये उस सत्ता के खेल में शामिल हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताऊं, जो अखबारों में छपी हुई खबरें होती हैं, सूत्र बताते हैं, आप जानते हो मैं भी सरकार में काम किया हूं, जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सूत्र एजेंसी होती है, यही जनता को बताती है, यही प्रेस को बताती है, यही छपता है, और उसमें सच्चाई कितनी होती है तो मैं जनता के विवेक पर छोड़ता हूँ, क्योंकि इन्होंने जितनी चीज़ें आज तक उछाली उसका कुछ परिणाम निकला नहीं कभी। जैसे मैंने आपसे कहा, ईडी आज तक एक व्यक्ति को सजा नहीं दे पाया, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका जो ईडी के डायरेक्टर थे, अभी जो रिटायर हुए हैं, उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें इन्होंने कहा कि बड़ा शोचनीय स्थिति है कि एजेंसी आज तक किसी को सजा नहीं दिला पाई। तो अगर हम लीगल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो कन्विक्शन रेट जीरो है, जीरो, कोई दोरा नहीं। और ईडी के गठन से लेकर आज तक ईडी, ये उनके निदेशक का खुद का बयान, आप उसको गूगल करिए, आपको निकल आएगा उनका बयान। मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उनका बयान है, निदेशक का बयान है जो इस एजेंसी को हेड करता था, उसने कहा था कभी सजा ही नहीं दिला पाए आज तक। लेकिन हर मामले में इनको कूदते हुए जरूर देखेंगे, अब मामला आया नहीं कि तुरंत कूद जाएंगे। मुझे, मेरा ये एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, मुझे कहना है इस एजेंसी से कि भाई देश के कानून का के अनुसार देश के भले के लिए काम करो, सत्ता दल के लिए नहीं। और खबर बनाने से ज़्यादा दोषियों को दंड दिलाने में समय लगाइए। लेकिन मुझे पता है कि ऐसा हम लोग का एक सपना ही रहेगा, ये हो नहीं पाएगा अभी निकट भविष्य में। आज से कुछ साल पहले एक बहुत चर्चित केस हुआ था हसन अली का, और हसन अली जो उस समय के हवाला कारोबारी थे बहुत बड़े, जिनके ऊपर भारत सरकार का हजारों करोड़ रुपया टैक्स बकाया था, टैक्स इवेजन का भी मामला था और हवाला का भी। उस मुहिम को आप लोगों ने चलाया था, आप और आपके कई साथियों ने मिलकर, उस पर कार्रवाई हुई, वो अरेस्ट हुए, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ। लेकिन उसी में बाद में ईडी की तरफ से आपका नाम जोड़ने की कोशिश की गई थी, आप वो बताएंगे वो मामला था क्या, किस तरह से आप अपना नाम फिर अलग करा पाए उससे? देखिए, ये इस एजेंसी की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ये खबर सूत्रों के माध्यम से डाल देती है, उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि रहता तो कुछ है नहीं।
जैसे आजकल भी खबरें चल रही है, आप कुछ साल में देखोगे इसका परिणाम। तो ये जो ब्लैक मनी का मामला था, हम लोगों ने इसको PIL की, मैं भी उसमें पिटिशनर था, और उसी PIL पर ये SIT बनी, जो आप ब्लैक मनी पे SIT, बड़ा महत्वपूर्ण एक निर्णय था माननीय सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2011 का। उसी में हम लोगों ने ये भी मांग की थी कि जो हसन अली नाम का व्यक्ति है, इसको आज तक पकड़ा नहीं गया, वो पकड़ा गया, जेल में गया और कई सालों तक जेल, शायद अभी भी जेल में है वो, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और उसी मामले में एक खबर छपी कि वो मेरा नाम ऐसा हसन अली से जुड़ा हुआ है, खबर छप गई। उसके बाद जब पूछा गया कि भाई उन्होंने कहा साहब ये तो कुछ, ये तो हमें तो पता नहीं। और जबकि खबर सूत्र के माध्यम से, जो सूत्र का खेल आज आप देख रहे हैं, तो वही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं वो बड़े ईमानदार हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कोई ढंग नहीं कि आप इन्वेस्टिगेशन बाद में करें, खबरें पहले छपा दें, और वो भी सूत्र के माध्यम से। किसी भी देश के लिए और किसी भी देश की एजेंसी जिस पर जनता मजबूरी में भरोसा करती है, उसके बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये इनके लिए मैं सलाह दूंगा कि ऐसा न करें। तो शायद यही कारण है कि जो लेटरल एंट्री हो रही है, सरकार की कोशिश रही है कि कैडर पोस्ट पर जो है लेटरल एंट्री करके और नॉन कैडर लोगों को तैनात किया जाए, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी रहे अपने ढंग से एजेंसीज को इस्तेमाल करने के लिए। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट जरूर करने की कोशिश की गई, लेकिन देश का सौभाग्य था कि सफल नहीं हो पाया। और आज भी वो मामला सिर्फ चयन कैसे किया जाए उसमें उलझा पड़ा हुआ है। जब ये मामला शुरू हुआ था तो मैंने भी इस बारे में लिखा था और यही कहा था कि आप लोगों से काम करना कराना सीखिए, नए लोगों को लाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, और सरकारों के पास कमेटी बनाना, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेने की पूरी फ्रीडम रहती है। आपको सरकार में बैठा कर उनसे काम कराने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती। मैं आप सोचा इतने विभागों में मैं रहा हूँ, जब कभी किसी चीज़ पर ओपिनियन की ज़रूरत पड़ी, एक्सपर्ट कमेटी बनाइए, देश भर के एक्सपर्ट इकट्ठा करिए, उनसे पूरी सलाह लीजिए, सलाह लेकर उनकी रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट देखने के बाद एक्शन लीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप विषय विशेषज्ञों को लाकर सरकार में बैठाएं। आपके पास बड़े ट्रेंड लोग, बड़े ब्यूरो जो अधिकारी वर्ग जो है वो समझदार पढ़ा लिखा है, लेकिन हमारी सरकारों में ये क्षमता नहीं रही कि वो उनसे ठीक ढंग से काम ले पाए। इस समय हम फिर आते हैं वापस चुनाव पर। चुनाव को लेके कई तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, नए नए अलायंस बन रहे हैं, जो पुराने अलायंस थे वो ब्रेक हो रहे हैं, और NDA के खास तौर से जो पार्टनर हैं उनको छोड़ के भाग रहे हैं, अने तो खुलेआम उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। आखिर क्या कारण है? क्या आपको लग रहा है कि इस समय देश का जो मिजाज है वो बदला हुआ है मौजूदा सरकार को लेकर? देखिए, जैसे ही कोई दल चुनाव में सफलता नहीं पाता, वैसे ये जो स्वार्थी हैं, देखिए इस राजनीति में ये बड़ा दुखद अध्याय हमारे देश का कि पूरी ये राजनीति जो है स्वार्थी लोगों से भर गई है। और आप चिराग लेकर ढूंढिए, आपको ईमानदार व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं राजनीति में, और यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो जितने भी लोग हैं ये स्वार्थ अपना देख रहे हैं, जिस पार्टी के साथ इनका स्वार्थ सिद्ध होगा, मतलब चुनाव में जीत हो सकती है, उसके साथ जाएंगे। इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं, इनका किसी के प्रति कोई झुकाव नहीं, किसी सच के प्रति इनका कोई प्रेम नहीं। इनका प्रेम एक चीज़ से है, वो कुर्सी पाने से, सत्ता की मलाई खाने में है, तो जिधर मिलेगी उधर जाएंगे। दूसरा, कल एक दूसरे को महाभ्रष्ट बताने वाले अब एक दूसरे से गठबंधन कर रहे हैं। आपको पता है, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में खास कर कहूँगा, ये दोनों पार्टियाँ एक दूसरे को चोर, महाचोर और जेल में भेजने का दावा करते थे एक हफ्ते के अंदर, अब दोनों गठबंधन बना के बैठ जाएंगे। अब सोचो कैसे ठगते हैं ये जनता को। जनता की समस्या क्या है, उसके पास कोई विकल्प नहीं। एक एक जिस दिन इस देश में ईमानदार विकल्प उभरेगा, तभी देश का भला हो पाएगा। इस राजनीति से कुछ नहीं हो रहा है। 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, उसके बाद सारी पार्टियों ने राज किया। हम लोग के राज्य में सारी पार्टियों ने 10-10 साल पूरे मेजॉरिटी की सरकार चलाई। आप और दशा देख लो, आप उसी प्रदेश से आते हो, आप देख लीजिए कुछ भी नहीं सुधरा। तो मैं ओपनली जहाँ पर भी, मैं जिस भी डिबेट में बोलता हूँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ हर एक से कि आप ये बताओ, सोचो कि इस देश में क्या हम लोग एक भी समस्या का समाधान आज तक कर पाए? एक नहीं।
ये कौन सी सरकारें हैं जो इतने 70 साल में भी एक समस्या का भी समाधान नहीं कर पाई। तो आप सोच सकते हैं इन गठबंधनों का क्या मतलब, सिर्फ अपने स्वार्थ और अपना हित साधने के गठबंधन है, बाकी एक दूसरे की गर्दन काट देंगे। आप भी अब सक्रिय राजनीति में हैं और पिछले कई महीने से गांव में आप घूम रहे हैं, गांव के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर गए हैं जनता के बीच में जो कि बाकी दलों से अलग है, तो जिसके आधार पर आपको लगता है कि जनता आपका वेलकम करेगी? देखिए, हम लोग भी जनता है, मैं भी वोटर रहा हूँ 1980 से, मैंने हर इलेक्शन में वोट दिया है और हर बार मेरे सामने प्रश्न आता था किसको वोट दें, क्योंकि बड़ा बड़ा दुखद स्थिति है, इसको कहते हुए शर्म भी आती है क्योंकि हम भी, हमारा भी देश है और हम भी उसके नागरिक हैं, कि जो खड़े हैं अधिकांश सब चोर हैं। अब इसमें से किसी न किसी को देना पड़ा, ये मजबूरी थी हम सभी लोगों की। तो हम, मैं एक ही बात कहता हूँ कि भाई इस देश का एक भविष्य में अगर कुछ हो सकता है तो सिर्फ एक उसका आधार है कि यहाँ पर एक ऐसा विकल्प प्रस्तुत किया जाए जो कम से कम बेईमान ना हो, जिसको काम करने की क्षमता हो, जो चीज़ों को समझता हो। आप देखिए, हमारे देश में ना तो पैसे की कमी है और ना कर्मठ लोगों की, जानकार लोगों की कमी है, उसके बाद भी हम लोगों ने अपने देश को क्या बना दिया। हमारे देश के साथ 40 से 50 के दशक में जितने देश स्वतंत्र हुए थे, मैं बांग्लादेश पाकिस्तान छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि उनके खून में भी हमारा खून दौड़ता है, इसके अलावा कोई देश हमसे पीछे नहीं है, सब मिलो आगे हैं। हमने क्या किया, कर डाला, और उसके लिए कहने के जिम्मेदार कौन था, सरकारें, क्योंकि सत्ता तो उन्हीं के हाथ में, सारे अधिकार उनके हाथ में। हम लोग तो मूर्ख दर्शक बन जाते हैं, वोटर जो है, और अधिकारी के रूप में आपसे बता दूं, सरकार जो चाहती है वही अधिकारी करते हैं, और अगर ऊपर बैठे व्यक्तियों की राजनीतिक सत्ता की नीयत खराब है और वो भ्रष्ट है, पूरा देश भ्रष्ट हो जाएगा। आपके नीचे का नौकर, जो भी आपके नीचे सहयोगी या जो भी काम करता है, क्या वो आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कर सकता है? क्या आप बेईमान आदमी को नौकर रखते हैं? नहीं, आप भी ठीक ठाक नौकर रखते हैं, लेकिन नौकर क्या करेगा, आपका कर्मचारी क्या करेगी, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे क्या कराना चाहते हैं। यही हालत हमारे देश की सरकारों की है। ब्यूरोक्रेसी का मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना सिर्फ कह रहा हूँ कि ये नौकर है, इसलिए इससे जैसा कहोगे, आप चोरी कराना चाहोगी चोरी करेगी, आप इसे ईमानदारी से काम कराना चाहोगे ईमानदारी से काम करेगी, आप इसे अपराध कराना चाहोगे अपराध करेगी। तो ये सारी जिम्मेदारी इस देश को इस हालत में ला के खड़ा करने की जिम्मेदारी जो है राजनीतिक सत्ता पर है, और जब तक राजनीतिक विकल्प इस देश में ईमानदार खड़ा नहीं होगा, इस देश का कोई भविष्य नहीं है।